किसी दिन वो भी घर से बेघर हो जाएगी। ये राज पाठ धन दौलत तब नंदा नंदी के नाम होगी। वहां भी राज पाठ हम चलाएंगे, वहां के राजा किसी दिन ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई है जो ये सजा में मिली है। अरे हम उससे क्या भूल हुई जो ये सजा नाराज है। अब मैं कहाँ को जा रहा हूँ? ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, चुपचाप बैठूंगी, जो होगा देखा जाएगा। भैया ये बताओ, इस वक्त महारानी की महल में है या नहीं? महल में बैठी हूँ। ठीक है, जाकर बता दो कि आपके पास कोई बिहार नहीं है। ठीक है, कृपा
सब बता दो मुझे इस घड़ी किस मुसीबत की माई हो बात जानना चाहती है तो जरूर बताऊंगी मुझे छोड़ कर भगवान को प्यारे हो गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, किसी न किसी प्रकार से मैं भीख मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। मैं अगर आपसे हो सके थोड़ी भिक्षा हमें भी दे दो। आज से हमारे साथ में आहरवाले महलों में तुम्हारा काम बस इतना है, झाड़ू कर देना, चौका बर्तन कर देना और महाराज का बिस्तर लगा देना। आपकी क्या करती है इस भिखार को जिसके दरवाजे पे जाती है तो एक भिक्षा देने की तकलीफ होती है और आप कैसी बातें कर रही हो महाराज? क्या और क्या मैंने कोई गलत कह दिया? अगर आपकी क्या है और आप कुछ कर रही हो तो इसका बदला जानते बहन क्या होगा? आप भारी किया बहन आप भारी किया बहन ऐसा है उसका बदला
आप उस पर इतना भारी एहसान किया है तो जो आप कहोगे जरूर देखेंगे। ठीक है बहन, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरे पास रहोगी, तुम्हें मेरी बात का मंजूर है तो मेरे पास रहना, तो हाँ करो या ना करो मुझे मंजूर है बहन। ठीक है बहन, अब मैं बैंक जा रही हूँ और आप जितना काम बताया है वो काम करके महाराष्ट्र का बिस्तर लगा देना। ठीक है, चल सकते हैं। अब मैं चलती हूँ महाराज की महल को और वही महाराज का, क्योंकि महारानी का आज्ञा का पालन जरूर करना मेरे घर में जरूर करूँगी। मैं चलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, शायद मैं लग जाऊं, क्या बताऊं। अगर मैं महल से दरबार आता तो अच्छा नहीं लगता है, महल में अगर रुकता हूं तो महल काटनी को दौड़ता है, क्या करूं समझ में नहीं आता है, कहां जाऊं क्या करूं। हर जाए तो जाए कहाँ, हर जाए तो जाए कहाँ, कौन सुनेगा और मेरी यहाँ, जाए तो जाए से दिखाई नहीं पड़ता है, पैर में झाड़ू मार दिया, आज इतवार मंगल तो नहीं दिया है, आज इतवार मंगल तो नहीं है, आज इतवार है, मगर इतवार को झाड़ू लगना पैरों में अशुभ माना जाता है। हाँ इतवार मंगल को झाड़ू लगना गलत होता है, समझ गए, भंसा नहीं भंसा, हटो हटो हम से बात करो। पानी फर फार के नहीं कीड़ा लगा दो, हटो हम बात करते।
तो अरे हमारे कमरे में क्या कर रही है महाराज? मुझे महारानी जी ने यहाँ पे नौकरी रखी है। महारानी कमला ने? जी हाँ। ऐसी आज कई रोज हो गए? आज मुझे दूसरा दिन है। दूसरा दिन दूसरा है ना? जी हाँ। नौकरानी हो जी, दिखाई नहीं पड़ता है कि सामने से कौन आ रहा है। मगर महाराज धोखा हो गया। धोखा हो गया जी हाँ। खैर कोई बात नहीं है, हो गए नौकरानी। आप घूंघट काले हो मालूम पड़ता, भी कम ना आया है तुम्हारा महाराज। जरा एक शकल देखे, कहीं कानी वानी तो नहीं है जो सुबह सुबह वो हड्डी खराब हो जाए? मैं घूंघट इसलिए काली हूँ, मुझे बहुत शर्म लगती है। शर्म? हाँ नौकरानी, और शर्म इतनी रखती हो? चलो मुंह खोलो, खोलो मुंह। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो चंपा है। वहाँ कई चंपा है, ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है, इससे कुछ बात करते हैं। चंपा, बहुत प्यारा नाम है, तुम्हारे माँ बाप ने रखा है। क्यों नहीं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? चंपा बोलो। मैं कुछ कहूँ तो हमारी बात मानोगी? महाराज आपकी बात को भला चंपा कैसे पूरा मान सकती है? बोलो क्या कहना चाहते हो? चंपा हमारी बात क्या तुम मान जाओ? कैसे बुरा मान जाओगी महाराज? ऐसे कैसे बुरा मान जाओगी? आपके चरणों में तो मैं अपना शीश को झुका रही हूँ। चंपा चमक की कली की तरह अरे तुमला जवाब हो, जैसे किस बोतल में झलकती शराब हो। Thank you.
बोले तुम नौकरानी नहीं हो। क्या करते महाराज? मैं सच कह रहा हूँ, तुम नौकरानी नहीं बल्कि हमारे दिल की रानी बनकर रहोगे। महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, एक भिखारी होते हुए और आपकी रानी में कैसे बन सकती हूँ? क्यों? अगर मेरी किस्मत ऐसे नहीं होती तो तंदर के ठोकरे और भीख नहीं मांगती। चंपा समझ लो आज से तुम्हारी किस्मत जग गई, और आज से नौकरानी नहीं बल्कि हमारे दिल की रानी। महाराज अगर कहीं महारानी कमला जान पाएगी तो तुझे बहुत मारेगी। कमला 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 का नाम मत लेना मेरे साथ। हा? हा? क्यों? नहीं कमला का नाम नहीं लेना। और सुनो ये क्या गंदी साड़ी पहने, इसे उतार के कोई अच्छा सा सूट पहन कर जाओ। ठीक है महाराज। बहुत जल्दी जाओ। मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ। अब कम से कम दिल तो लगेगा हमारा। हा? नाम है चंपा, वाकई में चंपा है। घबराओ नहीं, सब लोगों की दावत भी बोलूंगा, चिंता मत करो। अब अच्छा लग रही है। महाराज आपने जैसे कहा वैसा मैं आपके साथ भी कर रही हूँ, लेकिन आप धोखा मत देना जवानी को। कैसी बात कर रही हो तुम? ये महाराजा भंवर सिंह की जुबान है, हमारी जुबान पत्थर की लकीर हो जाती है। महाराज इस वक्त परेशान बहुत हो गई हूँ, थोड़ा आराम करने का दिल कहता है। बहुत जरूरी है, मैं भी चाहता हूँ। चलो आराम करते हैं। अरे नवरे मकारा ना गुमान तुम ससुर उसके बाद फिर दरबार को चल। ये तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ। चलो ठीक है तुम्हें नौकरानी का मजा जरूर चुकाऊंगी। महाराज मारा सोना
लगे तो क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? महारानी कमला ने आई थी यहाँ पे। महारानी कमला? जी हाँ। नहीं वो हमारे हमारे कमरे को नहीं आ सकते। वो हम तुम्हें देख लिया है, हमको तुमको हमको तुमको देख लिया, मुझे बहुत मारेगी। चुप रहो। अगर देख लिया है तो क्या हुआ? हमने प्यार किया है, दिल दिया है। सुनो कमला, अगर तुझे एक बात कहे तो चार बात कहना, अगर ये एक थप्पड़ मारे तो चार मारना, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है महाराज, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उस कमला से नहीं डरूंगा। हाँ ये बात हुई। मैं जब तक स्नान करके आता हूँ तो हमारे लिए गरम गरम चाय बना। बिल्कुल तैयार रखी होके बाय। ठीक है चलती हूँ। और ये तो मैं खुद ही जान गई हूँ कि महारानी कमला ने मुझे देख लिया है तो जरूर मुझसे सांस कर जाएगी। मैं चलती हूँ। तीन तो रोटा के तोड़ दो। घर से तो नहीं जाते हैं सर।